हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमारे खेत में प्याज उखड़ रही हैं। और आप देख सकते हो, हमने सारी प्याज लगभग उखाड़ ली हैं। ये बच्चा है जो भी प्याज को परातियों में भर रहा है, और हम इनको ट्रॉली में भर कर घर पर ले जाएंगे और वहाँ पे इनको बड़े तरह सुखाएंगे। इस खेत को हम खाली कर रहे हैं। देखो दोस्तों, आइए दोस्तों देखो, आप मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी प्याज बनी है हमारी। ये देखो दोस्तों, ज़्यादा खास प्याज नहीं है। ये देखो साइज आपको दिखा देता हूँ मैं। इसमें दोस्तों हमने सरसों भी लगा दी है बीचों बीचों में, और इसमें सरसों भी तैयार हो जाएगी। और तो प्याज भी हमने एक फसल ले ली है, इसमें सरसों को पहले डाल दी थी। ये इसका खेत है, ये किसान भाई है जो कि पूरा ही योगदान है इसका प्याजों में सफल बनाने के लिए। इसमें जलेबी रोग आ गया था, लेकिन इस भाई ने पूरी प्याज बचा ली थी। हाँ भाई, आपने इसमें जलेबी रोग आया था क्या? हाँ जी, फिर आपने एक दवाई डाली थी इसमें। हाँ जी, और आपने इसमें सिरसों भी डाल दी। हाँ जी, फिर ऐसे कैसे, मतलब आपको किसने बताया ये आइडिया? अब इनको आप कहाँ, घर पर ले जा रहे हो क्या? ना जी, मंडी ले जा रहे छू। मतलब बिना काटे पीटे आप मंडी कैसे ले जाओगे? हाँ। अच्छा, आप पूरे गांव बेचोगे उनको? ठकेल हाँ। दोस्तों ये मंडी नहीं ले जाएगा, क्योंकि मंडी में भाव सही नहीं मिल रहा है, इसलिए गाँवों में ले जाके ट्रैक्टर में भर रहा है और उनको फेरी लगा के बेचेगा। जो भी बिकेंगे 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। ये अभी इन्होंने खाना खाया है, ये बैठे हुए हैं। देखो आप, ये छोटा छोटा लड़का है। देखो ये भी बेचारा प्याजों में काम कर रहा है। आप सोच नहीं सकते कि इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन इससे भी ये काम करवा रहे हैं। देखो, क्योंकि मजबूरी है किसान भाइयों की, क्योंकि लेबर बहुत महंगी पड़ रही है, इसलिए बच्चों को छुट्टी करवा के भी काम करवाना पड़ रहा है। दोस्तों क्या करें, और उस खेत में देख सकते हो आप कितनी लेबर लगी हुई है। देखो, हर कोई सोचता है कि प्याज महंगी है, महंगी है, महंगी तो ये होनी चाहिए, क्योंकि देखो कितना खर्चा आता है इसमें छाटने के लिए। आप देख सकते हो,